Hey guys, welcome back to the channel. एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, आप मेरे पीछे यहां देख सकते हो, अभी मैं हूं रेलवे फुटओवर ब्रिज पर, जो कि आर ब्लॉक से लेकर गौरिया मठ तक तैयार किया गया है। और आपको पता ही, काफी टाइम से इसका काम रुका हुआ था। बट गाइस, अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं, ये जो रेलवे फुटओवर ब्रिज है, ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और बस थोड़ा बहुत यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो गाइस, क्या है इस रेलवे फुटओवर ब्रिज का अपडेट, कहाँ से कहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं, अभी मैं हूँ गौरिया मठ मीठापुर सब्जी मंडी की तरफ, और ये रास्ता आगे आपको मीठापुर सब्जी मंडी की तरफ या मीठापुर गया लाइन आरओबी वाले फ्लाईओवर पर लेकर चला जाएगा। वहीं इस तरफ ये रहा यारपुर फ्लाईओवर, और पुल के उस तरफ गौरिया मठ, बीडी कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और गाइज, इसी फ्लाईओवर के बगल से एक रेलवे फुटओवर ब्रिज तैयार करने का काम यहाँ काफी टाइम से चल रहा है, बट फाइनली इसे यहाँ पर अब तैयार कर लिया गया है। बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम यहाँ पर बचा हुआ है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं, ये रहा वो रेलवे फुटओवर ब्रिज, जो इधर गौरिया मठ से होते हुए आगे आर ब्लॉक के तरफ चला जाएगा। तो गाइज, आइए पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि कैसे लोग इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके आना जाना करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं सामने लोग कैसे इस ट्रेन के नीचे से होकर आना जाना कर रहे हैं, और ये आज से नहीं बल्कि काफी लंबे टाइम से यहाँ पर लोग इसी तरह से इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके एक तरफ से दूसरे तरफ आना जाना करते हैं। बट गाइज, इस रेलवे फुटओवर ब्रिज के बन जाने से अब काफी ज्यादा सहूलियत होगी लोगों को। तो आइए मैं आपको इस ब्रिज के ऊपर लेकर चलता हूँ, और क्या कुछ काम बचा है, कब तक ये चालू होगा, और किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुँचने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको ऊपर चलकर बताता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं, अभी मैं इधर गौरिया मठ के साइड से होता हुआ इस रेलवे फुटओवर ब्रिज पर आ चुका हूं, और आप देख सकते हैं यहां पर मैं अगर इसके सीढ़ियों की बात करूं तो इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। साथ ही इस पर जो टाइल्स वगैरह लगाए जाने होते हैं उसे भी यहां लगा दिया गया है। साथ में अगल बगल आपको ये रेलिंग भी तैयार दिख रहे होंगे, और ये ब्रिज आपको आगे आर ब्लॉक के तरफ उतारेगी, जहां से आप अटल पथ, पटना जंक्शन, बोरिंग रोड या इनकम टैक्स की तरफ आना जाना कर पाएंगे। वैसे आपको यहां मैं बता दूं कि पहले लोग या तो नीचे से होकर आना जाना करते थे, या उन्हें गौरिया मठ के तरफ आने के लिए आगे गर्दनीबाग सचिवालय हॉल्ट के तरफ से घूम कर आना पड़ता था। एक्स्ट्रा ऑटो फेयर और टाइम भी लगता था, और ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट होते थे जो इधर आना जाना करते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि इधर मीठापुर गौरिया मठ की तरफ बीडी कॉलेज भी है। सो कॉलेज टाइम में हजारों बच्चे इसी तरह से कॉलेज आना जाना करते हैं, और इसके अलावा कई सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक भी हैं जहां लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। सो इन सब कारणों से भी यहां इस रेलवे फुटओवर ब्रिज का बनना काफी ज्यादा जरूरी था। और गाइज, आप देख भी सकते हैं, ऑलमोस्ट ये रेलवे फुटओवर ब्रिज का काम कम्प्लीट है। बस इधर इस रेलिंग को कवर करने के लिए सेफ्टी स्टील नेट लगाने का काम बचा हुआ है, इसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज, एक अपडेट मैं आपको और दे दूं कि ये जो आप हार्डिंग रोड वाला पार्ट देख रहे हैं, इधर रेलवे की जमीन पर एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी चल रही है। आपको मैं बता दूं कि इस जमीन पर टर्मिनल प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी, जहां से लोग आरा बक्सर, मोकामा, बाढ़, मसौरी, गया के लिए पैसेंजर ट्रेन पकड़ सकेंगे। वैसे इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाकर इसका फुल अपडेट आने वाले टाइम में दिखा दूंगा। फिलहाल बात करूं इस रेलवे फुटओवर ब्रिज की, तो गाइज आप देख सकते हैं, ये रहा सामने आर ब्लॉक जहां ये ब्रिज उतर रहा है, और सामने वो रहा अटल पथ, जिससे होकर आप जेपी गंगा पाथवे के तरफ चले जाएंगे। यानी गाइज, इस रेलवे फुटओवर ब्रिज के बनने का फायदा आर ब्लॉक से गौरिया मठ या गौरिया मठ से आर ब्लॉक के तरफ आने जाने वाले लोगों को मिलने वाला है। और काम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, इधर आर ब्लॉक के साइड भी ये जो सीढ़ियां हैं इसे तैयार कर लिया गया है, और ये रहा वो रास्ता जिससे होकर आप आर ब्लॉक के तरफ निकलेंगे। तो आइए मैं आपको सीधे आर ब्लॉक के साइड लेकर चलता हूं, और कैसे आप आर ब्लॉक से इधर आएंगे उसे भी आप सभी को मैं दिखा देता हूं। तो गाइज, अभी मैं आर ब्लॉक के साइड आ चुका हूं, और ये रहा इधर अटल पथ। यानी अगर आप ऑटो या बस के थ्रू गौरिया मठ की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको इधर आर ब्लॉक के पास तैयार किए गए इस रेलवे फुटओवर ब्रिज के पास आना होगा, और आप यहां से होते हुए सीधे गौरिया मठ की तरफ चले जाएंगे। या जो लोग उधर गौरिया मठ की तरफ से आ रहे हैं और आर ब्लॉक के साइड आना है, तो वो सीधे इस रेलवे फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए यहां आएंगे। तो अब गौरिया मठ वाले लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी, वो इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी साइड आना जाना कर पाएंगे। और इस तरफ आप देख ही सकते हैं, ये रहा आर ब्लॉक, जहां से आपको स्टेशन, इनकम टैक्स या फिर अटल पथ पर जाने के लिए ऑटो या बस वगैरह मिल जाएंगी। वहीं इस तरफ आप गर्दनी बाग या बोरिंग कैनाल रोड की तरफ जा पाएंगे। तो
गाइस ये था यहाँ आर ब्लॉक से लेकर गौरिया मठ तक तैयार किए जा रहे रेलवे फुटओवर ब्रिज का अपडेट। और आपको मैं बता दूं कि इसका काम अब बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, बस थोड़ा बहुत इसके फिनिशिंग का काम बचा हुआ है जो कि बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। एंड आई थिंक एक सप्ताह के अंदर अंदर इसे चालू भी कर दिया जाएगा। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलता हूं मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।